हेलो स्टूडेंट, वी कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 3, ए ट्रिप टू भोपाल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो बच्चों की जो ट्रिप वाली बस थी वो नर्मदा रिवर को क्रॉस कर गई थी। उसके बाद क्या होता है, ये आप देख सकते हो पेज नंबर 27 पे मैं बता रही हूँ। सडनली द बस स्टॉप विद अ जर्क, अचानक से बस क्या होती है, रुक जाती है। ओ द पेट्रोल पंप, टू बसेस नीड टू बी रिफिल्ड। यहाँ पे देखो इस बच्चे की, यहाँ पे तो पेट्रोल पंप आ गया है और इसमें बस में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफिल करना है, यानी पेट्रोल या डीजल जो भी भरना है उसमें भरा जाएगा। द बस इज स्टेड इन अ लाइन, बसेस क्या होती है, बस जो होती है वो लाइन में खड़ी हो जाती है। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। बच्चे क्या करते हैं, जो बस की विंडो होती है उसमें से अपनी जो नेक होती है वो बाहर निकाल के देखते हैं कि कैसे डीजल बस में रिफिल किया जाता है। ओके, सम चिल्ड्रन हैव बॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बस में से नीचे उतर जाते हैं और पास में जाके देखते हैं कि बस में डीजल कैसे रिफिल किया जाता है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे नोट किया है। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रिफिल। एक बस है उसमें जब डीजल यानी जो रिफिल किया जाता है तो 15 मिनट का टाइम लगता है। तो एट देयर आर टू बसेस टू बी रिफिल, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट हाउ मेनी मिनट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक बस को रिफिल होने में 15 मिनट का टाइम लगता है, अगर टू बसेस में रिफिल करेंगे तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो वही डबल टाइम हो जाएगा, 15 मिनट प्लस 15 मिनट, तो 15 मिनट प्लस 15 मिनट यानी हमारा टाइम हो जाएगा 30 मिनट। तो बच्चे वहां पे देखते हैं कि जो देखेंगे आप पेट्रोल पंप का जो यहाँ पे बना हुआ है उसमें वो लोग देखते हैं कि लिखा हुआ होता है कि 100 लीटर। 100 लीटर तो बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि ये बस जो है उसकी टमी यानी बहुत ही बड़ी है, इसमें तो 100 लीटर जितना डीजल आ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं वो लोग, सो वी हैव टू पे 5,500 रुपीज। ओके, यहाँ पे वो देखते हैं कि 100 लीटर जो है डीजल रिफिल किया गया है तो उसके लिए कितना टाइम, कितने रुपीज लगे हैं, 5,500 रुपीज। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो यहाँ पे 100 लीटर डीजल का प्राइस हमें बताया हुआ है, तो हमें बताना है कि 1 लीटर डीजल का प्राइस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 100 लीटर डीजल इक्वल टू 5,500 रुपीज का है, तो द फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो हमें ये फाइंड करना है कि 1 लीटर डीजल का प्राइस क्या होगा। तो देखिए प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल, 1 लीटर डीजल का प्राइस क्या होगा, टोटल रुपीज पे उन लोगों ने कितने रुपीज आगे पे करे 100 लीटर डीजल के लिए, कितने डीजल के लिए, 100 लीटर डीजल के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल रुपीज 5,500 और डीजल कितना रिफिल किया उसने, 100 लीटर। तो देखिए अब इसे कैंसिल करते हैं, 0 to 0, 0 to 0 और 1 से ये आ जाएगा 85 रुपीज। तो 1 लीटर डीजल की प्राइस क्या हो जाएगी, 55 रुपीज। अब देखिए आगे यहाँ पे है, एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। अब क्या होता है, बस में पेट्रोल रिफिल होता रहता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पेट्रोल पंप के पास में टॉयलेट होता है वहाँ पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अमन हैज टेकन अस मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ अस वन बस इज टेकन टू रिफिल। तो यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है यहाँ पे कि अमन जो है टॉयलेट जाने में उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम वन बस में डीजल रिफिल होने में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। यहाँ पे हमें पहले बता दिया गया है कि अमन को टॉयलेट में जाकर आने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि वन बस में डीजल रिफिल होने में लगता है। फिर यहाँ पे हमें वही पूछा गया है कि हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट, तो अमन को टॉयलेट से वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें पहले से ही पता है कि वन बस को रिफिल होने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो अमन को भी टॉयलेट से वापस आने में 15 मिनट लगे।
तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। अभी ये वन माइनस थ्री नहीं होगा तो हम इधर से बन लेंगे
पता चल जाता है कि जो नंबर ऑफ पीपल है उनकी जो संख्या है वो मोर देन नंबर ऑफ जीरो इन दोनों के टोटल से भी ज्यादा है, यानी इन दोनों का आप टोटल कर देंगे तो उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हर काउंट इज लेस देन 200 बट इन दोनों के टोटल से ज्यादा है पर 200 से कम होगी। तो यहाँ पे आपको गेस करना है हाउ मेनी पीपल मस्ट बी ना हैव काउंटेड। तो हाउ मेनी पीपल मस्ट बी ना हैव काउंटेड, बिना ने बता दिया है कि उनकी टोटल से ज्यादा है और 200 से कम है नंबर ऑफ पीपल। तो हम ये पहले प्लस कर लेते हैं, 7 + 7 4 कैरी 1, 3 + 1 5 एंड 1। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि नंबर ऑफ पीपल जो होंगे 154 से मोर देन होंगे और 200 से लेस देन होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर दिए उसमें हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 154 से मोर देन है और 200 से लेस देन। ओके, तो देखिए 214 ये तो मोर देन 200 हो गया है, 154 ये तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज्यादा होने चाहिए। ओके, 134 ये तो लेस देन 154 है, ये भी नहीं होगा। 177 जो 177 नंबर है वो मोर देन 154 है एंड लेस देन 200 है, तो हमारा आंसर होगा 177। तो जो भी नंबर ऑफ पीपल होंगे वो 177 इसमें से हो सकते हैं। अब देखिए आगे, द गाइड टोल्ड देम दैट देयर आर 600 केयर पेंटिंग इन ऑल। यहाँ पर लगभग 600 केयर पेंटिंग है जो गाइड उनको दिखाने के जाता है वो उन्हें बताता है। इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका, अब उनका जो टाइम है वो भीमबेटका से जाने का हो जाता है, वो लोग सब पेंटिंग्स को देख लेते हैं। दे हैव स्पेंट 1 hour, व्हाट टाइम इज इट, वो 11 o'clock पे भीमबेटका आए थे और वहां पे उन्होंने 1 hour का टाइम स्पेंड किया। तो आपको बताना है दे हैव स्पेंट 1 hour देयर, व्हाट टाइम इज इट, तो वहां से जब वो भीमबेटका लीव कर जा रहे हैं कितना टाइम हो गया होगा, तो टाइम हो गया होगा 11 o'clock + 1, तो ये हो गया होगा 12 o'clock। वहां से जाने का जो टाइम होगा लगभग 12 o'clock का हो गया होगा। ओके, दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स भोपाल, आपको क्या करते हैं कि भोपाल सब लोग घूमते हैं। दे शुड बी देयर इन लेस देन 1 hour एट अबाउट, और वो भोपाल में सभी जगह थोड़ा सा घूमते हैं उसके बाद पूछते हैं कि उन्हें लगभग वहां घूमने में लेस देन 1 hour का टाइम लगता है तो क्या होगा वो टाइम। तो लगभग उन्हें वहां पे टाइम कितना होगा, वो 12:30 या 1 o'clock के बीच में वहां पे उतना टाइम उन्हें वहां पे लगेगा, क्योंकि उन्हें हमें पता चल गया है कि वो भीमबेटका से 12 o'clock को निकले हैं, उसके बाद वो लगभग लेस देन 1 hour तक के भोपाल में घूमे हैं। तो वहां पे आपको पूछा गया है कि उन्हें लगभग कितना टाइम हो गया होगा, तो आपका आंसर जो है लगभग बिटवीन द 12:30 to 1 o'clock का टाइम होगा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 12:30 टाइम भी हो सकता है, 1 o'clock भी हो सकता है, या फिर 12:30 to 1 o'clock बिटवीन उसके बीच का भी टाइम हो आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम 1 o'clock लिखते हैं लगभग 1 o'clock, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट टाइम नहीं है, यहाँ पे हम लगभग बताएंगे क्योंकि उन्हें लेस देन हमें 1 hour बोला है, तो वो वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि 12:30 to 1 o'clock के बीच का टाइम होगा जब वो भोपाल घूम चुके होंगे। ओके, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट